नीतीश कुमार से क्या बिहार नहीं चल रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या बिहार कहाँ चल रहा है? शीशे की मांग कर रहे थे विधानसभा में, आप लोगों ने नोटिस भी दिया था। कौन? सुधाकर सिंह फिराज। गलत बात है। मोदी जी का विकल्प मोदी फाइड व्यक्ति नहीं हो सकता। उसके बाद अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब है वो बीजेपी आरएसएस का काम कर। हम बिहार के लोग पीछे गए उनके नेतृत्व में। मैं कतई विश्वास नहीं कर सकता कि उनके नेतृत्व में बिहार आगे गया है। अगर इस तरह का बयान वो दे रहे हैं जानबूझ कर बार बार, तब हमको लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। मोदी जी का विकल्प, कल एक शब्द मैंने गलती से बोल दिया, मॉडिफाइड, एक्चुअल मॉडिफाइड नहीं था, मोदी फाइट था वो शब्द, मैं संशोधन कर रहा हूँ। देश में मोदी जी का विकल्प मोदी फाइट व्यक्ति नहीं हो सकता, इससे बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन। नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है, मोदी फाइड है, मतलब मोदी का ही अगला वर्षन है। नीतीश कुमार से क्या बिहार नहीं चल रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या बिहार कहाँ चल रहा है? बिहार पीछे जा रहा है विकास के पैमाने पर। आप आर्थिक सर्वेक्षण आने दीजिए। हम 2004 में, हम 2005 में हमने सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ नीतीश कुमार, वहाँ से लेकर बिहार में 0.1% बिहार पीछे गया है। जीडीपी जो जीडीपी को जो बेस लाइन मारा जाता है उसमें हमारा जीडीपी घटा है। हमारा राष्ट्रीय औसत में जो हम 3.5% थे, नीतीश जी के राज में 3.4% हुए हैं। हम बिहार के लोग पीछे गए उनके नेतृत्व में। मैं कतई विश्वास नहीं कर सकता कि उनके नेतृत्व में बिहार आगे गया है। कृषि क्षेत्र में यात्रा पे जा रहे हैं सर। सर आपके जो विधायक है सुधाकर सिंह, आज फिर से मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे विधानसभा में, आप लोगों ने नोटिस भी दिया था। कौन? सुधाकर सिंह फिराज। गलत बात है। उन्होंने आज मांग किया सर, पीछे से देखिए अब क्या मांग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इस तरह का अगर काम, अगर अरे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है, कोई मतलब नहीं है इसका। महागठबंधन का नेतृत्व सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी को चुना। अगर ऐसी कोई बात कही जा रही है जो बार बार पार्टी द्वारा अधिवेशन में, खुला अधिवेशन जब निर्णय ले लिया गया उसके बाद अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब है वो बीजेपी आरएसएस का काम कर रहा है। उन पे कार्रवाई करेंगे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जो है वो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अभी आप लोग सब लोग जान रहे होंगे कि उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है। कमेटी बैठेगी, कमेटी जो है वो निर्णय लेने जा रही है, तो जो निर्णय होगा वो सबों के समक्ष होगा। अगर इस तरह का बयान वो दे रहे हैं जानबूझ कर बार बार, तब हमको लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, कहीं और से गाइडेड है। चलिए।